Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 24 June 2019 मंडे है. सुबह के 7:46 हो रहा है. नया वीक है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. लास्ट वीक हमने देखा फ्राइडे को फिर से एक बार बियरिश कैंडलस्टिक बना. जो थर्सडे को हमने रिकवरी देखी थी वीकली एक्सपायरी के दिन, वो क्या अपसाइड ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है, बाउंस बैक देखने को मिला था. लेकिन फ्राइडे फिर से एक बार बियरिश कैंडलस्टिक बन के ये जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस थे उसके बीच में फिर से एक बार ट्रैप हो चुका है. तो क्या आज निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. और आने वाले वीक में तो कहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स होंगे इसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले कल के एनालिसिस यानी फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये 21 जून यानी फ्राइडे का पिक्चर है, आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा उस दिन फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी. तो उस दिन के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,844 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,813. तो जैसे ही ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो इसके बाद इसने ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर हमारा ब्रेक कर दिया टूवर्ड्स साउथ की तरफ और फर्स्ट टारगेट 11,794 ये अचीव हुआ. और उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,770 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. काफी देर तक इस लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा था, पेनेट्रेट कर रहा था और ये लेवल ब्रेक करने के बाद ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. तो फ्राइडे के स्ट्रेटेजी प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. फ्राइडे को डाउ जोन्स, नाजडाक, अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए. थोड़ा टेंशन चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में. यूएस का चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर का टेंशन अभी है. तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े से प्रेशर भरे संकेत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं. यूरोपियन बाजार में देखे तो लाल निशान में बंद हो चुके हैं. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो पॉजिटिव नोट पर ट्रेडिंग हो रहा है. हालांकि हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है चाइना और जापानीज मार्केट में. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 49 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में यूएस ईरान के वजह से टेंशन बना हुआ है. यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट. अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं कई दिन से तो हमने यहाँ पर एक बियरिश आरएसआई डाइवर्जन पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था. मैं अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन में यहाँ पर हायर हाइज बन रहे हैं लेकिन आरएसआई में लोअर हाइज बन रहे हैं. तो इसका जो आरएसआई ने हमें इंडिकेट कर दिया था पहले ही कि यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो इसके हिसाब से प्राइस एक्शन में भी हमें लास्ट टू वीक्स यहाँ पर बियरिशनेस दिखाई दिया. तो अभी यहाँ पर इसने ये जो अपसाइड मूव आया था 11,108 से लेके 12,103 इसका 50% का ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है ऑलमोस्ट इसने अचीव कर लिया. और ये जो लास्ट वीक इसने बियरिश कैंडलस्टिक बनाया इसका बॉडी का जितना हाइट है उतना ही इसके टेल का हाइट है. तो यहाँ पर ऐसा हमें दिखाई देता है कि बुल्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से एक बार आने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी बियरिश पैटर्न बना हुआ है. तो हो सकता है फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करे. अगर 11,723 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और हायर हाईज बनाता है इस वीक में, हायर हाई और हायर लो, तो चांसेस है कि निफ्टी इंडेक्स और ऊपर की तरफ फिर से एक बार बढ़े. लेकिन अगर ये 11,723 के नीचे ट्रेड करता है इस वीक में और क्लोज होता है तो और बियरिशनेस यहाँ से बन सकता है. 11,723 के पास ही लास्ट जो दो स्विंग हाईज बने हैं ये भी अराउंड इसी लेवल के पास है. तो जो रेजिस्टेंस का काम करता है पास्ट में वो आगे जाके सपोर्ट का काम कर सकता है. तो इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो चांसेस है कि अपसाइड मूव यहाँ से फिर से एक बार शुरू हो. तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में अभी यहाँ पर हमने देखा कि 50 EMA निफ्टी को पकड़ के रखा हुआ है. 50 EMA के नीचे अभी तक ये निफ्टी इंडेक्स क्लोज नहीं हुआ है. तो यहाँ पर 50 EMA एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है.
अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप ये पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। जब अप ट्रेंड में जाता है तब ये हायर हाई हायर लोज बनाता है। अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है एज पर डेली चार्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड दिखा रहा है क्योंकि 20 ईएमए ये जो पिंक लाइन है इसको इसने ब्रेक कर दिया। और अभी जब ये चल रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये लोअर हाइज बना रहा है और लोअर लोज। तो जब भी मार्केट ऐसा ये डाउन ट्रेंड में चलता है लोअर हाइज बनाता है तो अपसाइड मूवमेंट जब शुरू होता है तो फिर से ये हायर हाइज बनाता है ये ऐसे। तो अभी तक इसने हायर हाइज हायर लो बनाया नहीं। अगर ये यहाँ से घूम के फिर से ऊपर की तरफ आता है तो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से अप मूव फिर से एक बार शुरू हो जाएगी। अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, अगर ये लोअर हाइज को इसने ब्रेक कर दिया और इसके नीचे चला गया तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। ये पैटर्न है डाउन ट्रेंड और अपसाइड मूवमेंट का। तो इसके हिसाब से जब ये चलते रहता है तब वही ट्रेंड कितनी बार भी इसमें रिकवरी आए, अगर पैटर्न यही बन रहा है तो इसमें वो डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगी। अप ट्रेंड के लिए हमें चाहिए कि यहाँ से ये घूमे और यहाँ पर एक हायर बॉटम का फॉर्मेशन हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अपसाइड मूव आ सकती है यहाँ से। अभी तक यहाँ पर कंफ्यूजन है, अपसाइड मूव आने का यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जब बनेगा जब ये 20 ईएमए के ऊपर कोई डिसीजिव मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है तब। तो यह है डेली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। अभी ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है एज पर 60 मिनट चार्ट उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करता है यानी 11,704 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम तभी शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,683। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट यहाँ पर हमारा होगा 11,657। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर काफी सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। पहला तो पिवट पॉइंट का लेवल है, उसके बाद ये 20 ईएमए का मूविंग एवरेजेस का लेवल है, 50 ईएमए, 100 ईएमए और उसके बाद R1 का ये पिवट पॉइंट का भी लेवल है। तो कहाँ से ये टर्न हो सकता है टूवर्ड साउथ ये कहा नहीं जा सकता, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये सब रेजिस्टेंस लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तोड़ देता है इसके ऊपर सस्टेन होता है यानी कंप्लीट R1 यानी 11,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन हम बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,819। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,831। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।